देखो पुलिस की गाड़ी भी जा रही है क्योंकि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। शिट, यहाँ पे भी लग रहा है कुछ एक्सीडेंट हो गया है। टेस्ला गए तुम्हें 5 पैसे टिप दे के आया मैं। खुद ही करता है, फिर मेरे पर ब्लेम डाल देता है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स अ ब्रांड न्यू डे टुडे एंड नए दिन के साथ एक नए सफर की भी शुरुआत हो रही है। तो हम जा रहे हैं सैन होजे से सैन डिएगो, एंड सैन डिएगो अगर देखा जाए पेपर पे तो 8 आवर्स का पूरा ट्रिप है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10 घंटे आराम से लग सकते हैं हमें। अभी हो रहा है 8:37, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए रुकेंगे, पेट्रोल फ्यूलिंग के लिए रुकेंगे, बिकॉज अभी देख रही हूँ तो गैस हमारे पास सिर्फ 150 miles के लिए है। प्लस इतनी सुबह हो रही है, ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख भी थोड़ी देर में लग जाएगी। एक कॉफ़ी का किक भी चाहिए होगा। गोना बी एन इंटरेस्टिंग डे। प्लस मैं आज भी बीमार हूँ, मुझे फिर से सर्दी हो गई है। मेरे लास्ट ट्रिप अगर आपने मेरा कनेक्टिकट वाला व्लॉग देखा होगा तो मुझे तब सर्दी हो गई थी, मैं बीमार थी, एंड अभी फिर से अचानक से मुझे फिर से सर्दी हो गई है। पूरी खेती हो रही है यहाँ पे, एंड आई बिलीव ये सब कुछ जो है गार्लिक की खेती होगी ऐसा मुझे लग रहा है। गार्लिक इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा गार्लिक उगाया जाता है। यहाँ पे गार्लिक के बहुत सारे चीजें मिलती है, गार्लिक जाम मिल जाएगा आपको, गार्लिक के आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ऑल्सो राहुल ने ये एट होम कोविड का टेस्टिंग किट लाया था, तो मैंने सोचा ठीक है अभी ट्राई कर ही लेती हूँ टेस्ट करके। आई डोंट नो मैं वो टेस्ट रिजल्ट का क्या करने वाली थी, बट फिर जस्ट टू एलिमिनेट द फैक्टर कि मुझे कोविड है या नहीं है। उसको फिर हम ऊपर रखते गाड़ी के, अगर वो पॉजिटिव निकली तो। और गाड़ी के ऊपर रख के क्या करता तू? मैं सेफ रहता। अच्छा, बिना कोविड टेस्ट ये गाड़ी के ऊपर रख के तुझे ओके तो मुझे गाड़ी के ऊपर रखता। अरे यार, तो मैंने वो कोविड टेस्ट किया, 15 मिनट के ऊपर हो गया है, 2 लाइन नहीं आई है, तो मुझे कोविड नहीं है, थैंक गॉड फॉर दैट। एक्चुअली कफ हो गया है बहुत, एंड वो कफ जो है वो बहुत गाढ़ा हो गया है, इट्स नॉट एबल टू कम आउट। आई डोंट नो अभी ये कफ जाने में कितना टाइम लगेगा, बट लेट्स होप आई गेट वेल सून। प्लस ये सब कुछ मैंने ट्रिप के जाने के टाइम पे क्यों होता है मुझे नहीं पता, किसकी नजर लगती है। डेंटिस्ट के पास गई थी कुछ दिन पहले, एंड उसने मुझे एक दांत के लिए बोला कि अरे यहाँ पे ना थोड़ा टूथ लॉस हो रहा है, स्ट्रक्चरल लॉस हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे एक फिलिंग करनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं था उस दांत को, तो मैंने बोला यार ठीक है कुछ हो रहा है तो कर लो। एंड वो जो फिलिंग हो गई वो थोड़ी रूट के पास हो गई है, नर्व के पास बेसिकली, तो वहाँ पे अगर मैं सिर्फ टच भी करूँ ना सेंसिटिविटी फील हो रही है, दर्द हो रहा है। अभी पानी पीऊँ या कुछ भी खाऊँ मुझे वो बहुत दुख रहा है, तो मैं गर्म पानी भी नहीं पी पा रही उस वजह से, बिकॉज इतना ज़्यादा दर्द होता है 10-5 मिनट के लिए कि मुझसे बैर नहीं हो रहा है। सो अब ये सब दर्द सहन करते हुए खराब गले के साथ हम ट्रिप को एंजॉय करेंगे। गाड़ी में 40 माइल्स का गैस बचा था, तो हम एक वलेरो गैस स्टेशन पे रुक गए, ताकि पूरा रोड काफी सीनिक था। हम अभी भी सेम गैस स्टेशन पर है, घर से थोड़ा बहुत खाने के लिए लाया था, तो राहुल ने ये एक सैंडविच लाया था, एंड देन वी आल्सो हैव सम कॉफी, एंड देन मेरे पास थोड़ी पनीर की स्टोव फ्राई है। हम दोनों जब भी बाहर निकलते हैं तो हम काफ़ी कुछ खाने का लेकर निकलते हैं। क्विकली ब्रेकफास्ट कर लिया, एंड फिर थोड़ा नैप भी ले लिया मैंने, और उतने में बारिश होने लग गई। मैं वेदर की तारीफ कर ही रही थी बट शायद उसे अच्छा नहीं लगा। लंच के लिए हम ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट पे रुके थे जिसका नाम था टेस्ट ऑफ इंडिया। खाना पीना सब हो गया, मुझे तो अभी लिटरली नींद आ रही है, और मेरा गला आवाज़ थोड़ी और चेंज हो रही है बिकॉज मेरा गला भी थोड़ा ज़्यादा हर्ट कर रहा है, एंड मेरा दांत भी हर्ट कर रहा है, तो इसके लिए आई एम नॉट ड्राइविंग, आई एम जस्ट गोना रिलैक्स। राहुल इज लाइक ही कैन टेक इट फॉर फ्यू मोर माइल्स, और फिर नहीं हुआ तो स्विच करेंगे, चलेंगे। एंड अभी एक बार फनी चीज हो गई राहुल के साथ। यू वांट टू से व्हाट हैपेंड? तो खाना वाना हो गया, रिसेप्शन पे जाके बिल भरना था, और वहाँ पे कार्ड स्वाइप किया वगैरह, एंड देन ये लोग क्या करते हैं आपके हाथ में थमा देते कि टिप करो, और देयर पीपल अराउंड माय नेक टू पे द देयर बिल आल्सो। तो गाइगर रोड में वहाँ पे टिप सेक्शन आया, तो मैं कस्टम अमाउंट डालने के लिए आई प्रेस्ड द बटन, एंड देन वहाँ पे 0.00 आता है, एंड आई प्रेस्ड आई वांटेड टू गिव लाइक यू नो $5 टिप, तो मैंने 5 दबाया और एंटर दबाया, थिंक इट विल बी 5, बट नो इट वाज 0.005, तुम्हें 5 पैसे 0.05 नॉट 005, हां 0.05, तुम्हें 5 पैसे टिप दे के आया मैं। 5 सेंट, इज दैट करेक्ट? 5 सेंट्स, नो इट इज लेस देन 5 सेंट एक्चुअली, यू गिव 0.05, हां इफ यू वुड हैव गिवन, सो इसने 5 सेंट से भी कम दिया। अगर इसने 0.5 दिया होता, ओ नो इफ यू ओके, हां 0.5 था तो 50 सेंट होता, तो यू आर राइट, 5 सेंट ही गिव इन टिप।
पता नहीं बाद में कुछ बोले और भी एंड ही इज लाइक कि मैं मुंह छुपा के नो मेरे पास कैश थी ना कुछ था आई कुडंट इवन गिव देम एनीथिंग या तो इज लाइक मैंने बाद में एडिट करने का ट्राई किया नहीं हुआ तो मैं मुंह छुपा के बाहर आ गया एनीवेज इट्स बीन रेनिंग सिंस लॉन्ग और अभी बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गया है अभी कॉफी लेनी चाहिए थी बट आई थिंक आई एम ओके आई डोंट नो राहुल शायद उसको नींद आ जाएगी क्या नींद देखो नहीं यार आ रही होगी तो लेट्स एक बोतल पानी पिया तो यहाँ का खाना अच्छा था बट एक था कि इन्होंने पानी नहीं दिया तो बॉटल ही खरीदनी पड़ेगी तो बॉटल का ही ऑप्शन था तो वो पार्ट मुझे नहीं अच्छा लगा बिकॉज इट्स लाइक आपको पानी का पैसा देना ही पड़ेगा बट आई थिंक पानी ऐसी बेसिक चीज है जो आपको फ्री का ऑप्शन होना चाहिए बहुत गंदी वाली बारिश हो रही है विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है एंड उसकी वजह से अभी हमने दो या तीन जगह पे देखे कि एक्सीडेंट्स हुए पड़े हैं रोड पर तो हम एक्चुअली आराम से ही चला रहे हैं हम कोई घाई नहीं कर रहे बट ऐसे पागल पागल लोग भरे हैं रोड पर जो इधर से उधर उधर से इधर घुस घुस कर रहे हैं एंड आई एम लाइक इतना तुम रश करके कितना टाइम बचा लोगे अपने दो मिनट बचा लोगे पाँच मिनट बचा लोगे उसके लिए तुम इतना क्यों कर रहे हो यार एक तो बारिश भी हो रही है हम पहली बार पेट्रोल के लिए रुके थे उसके बाद हमारा ATM था 4:30 तो डेढ़ घंटा ऑलरेडी बढ़ चुका है बट हमने खाने वगैरह कभी भी किया सो आई थिंक इट्स ओके फॉर सम रीज़न मेरा गला और ख़राब हो रहा है अगर आपको आवाज़ से समझ रहा होगा तो आई डोंट नो सुबह से लेके अब तक आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो गई है गार्लिक नान ओ मे भी गार्लिक नान की वजह से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बटर था बट तेरी तंदूरी रोटी पे भी तो इतना बटर था गार्लिक से थोड़ी हुआ है इट इज़ द बटर दैट कॉज इट नॉट द गार्लिक फ्लेवर चिकन पे भी बहुत अच्छा सा ऐसा लेयर कर रही थी हाँ बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना था वो दैट नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स मैं वही सोच रही थी अचानक से खाना खाने के बाद से मेरा ऐसा आवाज़ क्यों हो गया मैं बोल रहा था कि अपन थोड़ा गर्म चाय निकल लेते हैं तो बटर वॉश डाउन हो जाएगा वो सब यू ओनली सेड कैन वी स्किप द चाय नाउ तो आई एम लाइक यार खुद ही मैं बोला कि अभी चाय स्किप कर देते तो मैंने ही बोला ठीक है कैसा है खुद ही बोलता है खुद ही करता है फिर मेरे पर ब्लेम डाल देता है ऐसे दोस्तों को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको राहुल गप्पे मारते हुए जा रहे हैं म्यूजिक लगाया हुआ है तो आई थिंक वी आर रियली एंजॉयिंग द ड्राइव इवन दो इट्स रेनिंग आई थिंक द ओनली चैलेंज इज विजिबिलिटी क्योंकि देखो कैसा दिख रहा है पूरी लाइन जो है पूरा ट्रैफिक जाम है देखो पुलिस की गाड़ी भी जा रही है क्योंकि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है अगर आप मेरा रिसेंट वाला लॉस एंजलिस वाला वीडियो देखोगे जब हमने सैन फ्रांसिस्को टू लॉस एंजलिस ड्राइव किया था तब लिटरली माउंटेन्स पूरे ड्राई थे एंड गर्मी भी बहुत थी एंड आज हम ड्राइव कर रहे हैं तो इट फील्स लाइक अरे भाई ये तो इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है लेन चेंज करने के लिए आज जो है पूरा लोनावला महाबलेश्वर वाला फील आया हुआ है नहीं राहुल सिर्फ थोड़ा यहाँ पे कहीं पे चाय का और समोसे का स्टॉल होता ना पूरी इंडिया वाली वाइब आ जाती डाल मैप पे डाल दूँ मैप पे वो नहीं ऐसा रोड वाला चाहिए मेरे को गरम गरम भुट्टा और चाय एंड समोसा और मेरी वड़ा पाव ऑल्सो चलेगा एक्चुअली वड़ा पाव गोज बेटर विद दिस वेदर देन समोसास एंड भुट्टा भुट्टा तो चाहिए तो एकदम लिटरली वैसा वाला वाइब आ रहा है मुझे इंडिया वाला एंड ऑनेस्टली मैंने वो इंडिया वाला वाइब जो है महाबलेश्वर और लोनावले वाला लास्ट 7-8 साल से नहीं देखा है नहीं फील किया है एंड व्हेन आई एम इन दिस काइंड ऑफ प्लेस तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू इंडिया एंड relive those memories of having that butta and chai hopefully maybe next trip to india mein try karenge i don't know shit yahan pe bhi lag raha hai kuch accident ho gaya hai pure atade bahar but unhone kisi ko thoka nahi hai na abhi just hua shayad bhi airbag wagera sab khul gaya tha i don't know but unka airbag wagera sab kuch khul gaya tha and i think unki gaadi slip hui ya kuch hua and उन्होंने ही ठोका लकीली उन्होंने किसी और को नहीं ठोका विच इज़ गुड और बहुत सारी गाड़ी जो ऑल वेदर भी नहीं होते उनके टायर्स तो ये सब वेदर में थोड़ा टायर्स स्केड होने का भी प्रॉब्लम हो जाता है ये वाली ना कुछ 2:45 को एल ए में एंटर किए एंड एल ए में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लिटरली बहुत स्लो हो गया था एंड देन फिर हमें कुछ कॉफ़ी लेनी थी तो हम अभी स्टारबक्स आ गए बट हम अभी भी एल ए में ही है तो अब स्टारबक्स से कॉफ़ी लेते हैं फिर निकलते हैं तो यहाँ पे रेट है 4.49 प्रीमियम का जो हमने डाला था ना एंड हम सुबह जहाँ पे रुके थे वहाँ पे रेट था 5.24 का
तो ऑलमोस्ट लाइक 80 सेंट्स का फ़र्क है. तो कॉस्को में 80 सेंट्स चीपर है. अभी गैस फ्यूल अप करेंगे एंड डिनर का कुछ सीन है नहीं, तो वी आर थिंकिंग कि क्या करें, कॉस्को से कुछ उठा सकते हैं या फिर होटल के यहाँ पे जाके फिगर आउट कर सकते हैं. तो लेट्स सी. आई वॉन्टेड टू बाई अ फ्यू मोर थिंग्स एंड आई मिस्ड आउट ऑन द थैंक्स गिविंग सेल. तो अभी वही चीज़ें ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो गया है, विच फील सैड. ओह माई गुडनेस, दे आर गिविंग दैट DJI Mini 3. एक्चुअली अभी Mini 4 आ गया एंड दिस इज Mini 3, नॉट 3 Pro. हाँ, मुझे 800 डालने ही कर. कितने में दे रहे हैं? 379 इज नॉट बैड प्राइस. या तो एक्चुअली DJI Mini 4 Pro आ चुका है एंड दिस इज 3, नॉट इवन Pro. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट दैट, बट ड्रोन इज इन द लिस्ट एंड बहुत इच हो रहा है लेने का, बट थोड़ा अभी कड़की चल रहा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. तो इन्होंने ना यहाँ पे ऐसे ये पेपर के कार्ड्स लगा दिए. सो दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट एन एड फॉर दैट प्रोडक्ट. क्या ये चाहिए तेको? राहुल को स्टोर में लाना कॉस्को, मतलब तुम्हारे 2-4 घंटे तो चले ही जाएंगे, है ना राहुल? हम क्या लेने आए इधर पे बताना, शक्ल अपनी क्या लेने आए हैं? पानी लेने आए हैं, तो चलो पानी लेते हैं और निकलते हैं. होटल में चेक इन कर लिया है एंड अभी हम 7:15 बजे कुछ पहुंच गए थे. चेक इन किया, बैग वगैरह लेकर आए, वो सब करके हो गया. सो आई थिंक आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. मुझे अभी बस फ्रेश होके खाना खाना है एंड सो जाना है. सो इन ऑल आज का दिन काफी लंबा था एंड अभी बैठ के प्लान करना है कि कल का क्या प्लान है, बिकॉज हम कल शायद कहीं स्पेसिफिक जगह जाने वाले हैं जिसकी अभी प्लानिंग करनी है, बट वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय. इनकी तंदूरी रोटी बहुत ही सॉफ्ट है, यूजुअली लचीली होती है, मजा नहीं आता. व्हाट डू यू मीन बाय लचीली? अच्छा स्ट्रेची. हां ओके, अदरवाइज व्हेन यू आर सेइंग लचीली इट साउंड्स लाइक समथिंग बहुत ही टेस्टी और समथिंग. कि अरे लचीली होती है बट यार लचीली नहीं थी, तो इट्स लाइक अच्छी होती है बट यार अच्छी नहीं थी. बट ही वाज वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्रेकेबल. तेरे पास भी लाटे? एक लाट, दो लाट, लाटे. अरे उसमें पूरा क्रीम है, आई डोंट नो इसमें दिख नहीं रहा कैमरा में. किसको चाहिए लाटे बोलो? राहुल बना रहा है. अब बस इसके ऊपर वो डिजाइन करनी है. अब इसके ऊपर अगर मैं लेफ्ट टू इमेजिनेशन है डिजाइन. तुमको बदक दिख रहा है? बदक है, कुत्ता चाहिए, कुत्ता है उसमें. जल्दी पहुंच उसको. किसको? गाड़ी. व्हाट वाज दैट?